हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे रबड़ी केक। ये देखिए ये केक कितना जूसी और स्पॉन्जी बना है। इसे आप किसी भी ओकेजन में एज अ स्वीट डिश बना सकते हैं। इसे बनाना जितना आसान है, ये खाने में उतना ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए फटाफट से रबड़ी केक बनाना शुरू करते हैं। मलाई या रबड़ी केक बनाने के लिए सबसे पहले हम केक का बैटर लगाएंगे, जिसके लिए मैंने एक बड़े बर्तन में 1/3 कप तेल लिया है। और जितना हमने तेल लिया है उतना ही हम इसमें मिलाएंगे दही। दही डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 कप पिसी हुई चीनी। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। केक बैटर बनाने के लिए हमें जो तेल लेना है उसमें कोई भी स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं होनी चाहिए, जैसे कि मस्टर्ड ऑयल। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे 2 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। दूसरी तरफ अब हम लेंगे एक कढ़ाई, जिसमें डालेंगे 2 कप पानी। जो आज हम केक बनाने वाले हैं उसे स्टीम करेंगे। आप चाहें तो इसे बेक भी कर सकते हैं। अब हम इसे ढक कर मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे। तेल और चीनी का जो मिक्सचर हमने बनाया था उसे भी रखे हुए 2 मिनट हो गए हैं। अब उस बोल पर रखेंगे एक छन्नी और इसमें डालेंगे 1 कप मैदा और साथ ही साथ इसमें मिलाएंगे 1 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा। अब इन्हें अच्छे से छान लेंगे ताकि ये सभी चीजें अच्छे से मिक्स भी हो जाएं और अगर लम्प्स हो तो वो भी ना रहे। अब किसी चम्मच या विस्क से इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद अब हम इसे मिलाएंगे दूध। यहाँ पर मैंने टोटल 1/2 कप दूध लिया है, जिसे हम थोड़ा थोड़ा करके बैटर में मिलाएंगे, क्योंकि एक साथ अगर पूरा दूध हम मिला देंगे तो बैटर में लम्प्स बन जाते हैं। बाकी का बचा हुआ दूध फिर से मिक्स करेंगे। ये देखिए, ये एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी है केक बनाने के लिए। अब हम इसे फटाफट से एक ग्रीस्ड मोल्ड में पोर कर लेंगे। उसके बाद इसे 3 से 4 बार अच्छे से टैप करेंगे। अगर इसमें कोई एयर बबल्स हो तो वो निकल जाए। दूसरी तरफ जो पानी हमने पकने के लिए रखा था उसमें बॉयल आने लगा है। अब पानी में एक स्टैंड रखेंगे और स्टैंड के ऊपर रखेंगे मोल्ड और उसके बाद इसे 30 से 35 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। जब तक केक स्टीम हो रहा है उस बीच हम तैयारी कर लेते हैं रबड़ी या मलाई बनाने की। यहाँ पर मैंने 1 लीटर फुल फैट मिल्क लिया है। जब इसमें बॉयल आने लगे तो हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए इसे पकाएंगे। हमें दूध को इतना पकाना है कि ये 1 लीटर से 1/2 लीटर रह जाए और उसके बाद हम इसमें मिलाएंगे चीनी। मैं यहाँ पर टोटल 3 बड़े चम्मच चीनी मिला रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और दूसरी तरफ केक को स्टीम होते हुए 30 मिनट हो गए हैं। एक बार इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए, फोक से जब इसको इस तरह से चेक करेंगे तो ये बिल्कुल क्लीन है, तो इसका मतलब हमारा केक बिल्कुल तैयार है और इसे ठंडा होने देंगे। दूसरी तरफ जो हमने दूध पकने के लिए रखा था वो भी 1/2 लीटर तक रिड्यूस हो गया है। अब हम इसमें मिलाएंगे 1/4 छोटी चम्मच इलायची पाउडर, थोड़ा सा केसर जिसे मैंने 2 बड़े चम्मच दूध में भिगा कर रखा था और साथ ही साथ इसमें मिलाएंगे 2 छोटी चम्मच ड्राई फ्रूट्स। यहाँ पर मैंने बादाम और पिस्ता लिए हैं, मगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी नट्स यहाँ पर ले सकते हैं। और ये देखिए, रबड़ी बनकर तैयार है और गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। जो हमने केक बेस बनाया था वो भी पूरी तरह से ठंडा हो गया है। अब हम इसे फोक से अच्छे से प्रिक करेंगे, जिससे कि जो रबड़ी हम इसके ऊपर डालेंगे वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद हम ऊपर से डालेंगे रबड़ी, जो कि बहुत हल्की गर्म है। इसे अच्छे से पोर करने के बाद हमने थोड़ी सी रबड़ी बाद में गार्निशिंग के लिए जब हम सर्व करेंगे उसके लिए बचाई है। ऊपर से हम इसमें डालेंगे थोड़े से नट्स। ये देखिए, रबड़ी केक बनकर तैयार है। अब हम इसे सर्व करेंगे।
सर्व करते समय हम इसमें ऊपर से डालेंगे थोड़ी सी रबड़ी और थोड़े से नट्स। तो फ्रेंड्स, हमारी इस रेसिपी को एक बार घर पर जरूर बनाएं। आपकी रेसिपी कैसी बनी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।